नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एवन न्यूज बिहार। आज है 7 जनवरी। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार सहित सिवान, छपरा, गोपालगंज और अन्य जिलों की 10 बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार 5वें दिन बुधवार को भी जारी रही। नगर परिषद प्रशासन द्वारा हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में की जा रही पहल का सफाई कर्मियों पर कहीं कोई असर होता नहीं दिख रहा है। नगर परिषद प्रशासन व सफाई कर्मी की रात में आमजन आए दिन परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य मार्ग हो या गली मोहल्ला या कचरा पॉइंट्स, जिधर देखो उधर ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बावजूद लोग गंदगी के बीच रहने को विवश हो गए हैं। अगली खबर, औरिहार छपरा रेलखंड पर रिविलगंज के पास संपार संख्या 55C को रेलवे द्वारा अस्थायी तौर पर रेलवे क्रॉसिंग बंद कराने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी की। पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों की झड़प के दौरान रोड़ेबाजी में सीओ व आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस जवान घायल हो गए। इसी क्रम में पुलिस व प्रशासन की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। रेल प्रशासन के अलावा कई थाने की पुलिस वहां कैंप कर रही है। वहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना है। अगली खबर, मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड के अंतर्गत औराय गांव के ब्रह्मदेव मंडल ने पिछले 10 माह में अलग अलग जगहों पर 11 बार कोरोना का टीका ले लिया है। उनका कहना है कि टीका लेने के बाद उनके घुटनों का दर्द कम हुआ है, इस कारण उन्होंने इतनी वैक्सीन ले ली। उन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण चिकित्सक का भी काम किया है। रविवार को 12वां डोज लेने जब वो चौसा केंद्र पर गए तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। मोबाइल नंबर बदल कर टीका लेते थे। अगली खबर, कोरोना की तीसरी लहर ने विवाह भवन संचालकों को दोहरा झटका दिया है। सरकार के आदेश के बाद अब विवाह में 50 लोग के शामिल हो सकते हैं। इस कारण कई लोगों ने जनवरी में होने वाली शादी की तिथि आगे बढ़ा दी है। पिछले बार भी विवाह भवन संचालकों को व्यापार में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें किराया व कर्मचारियों के खर्च की चिंता सता रही है। कई विवाह भवन के संचालकों ने बताया कि विवाह में कम लोग के शामिल होने के कारण जनवरी माह की बुकिंग रद्द हो गई है। अगली खबर, भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में बुधवार की देर शाम शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस बल पर हमला कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस टीम पर जमकर रोड़ेबाजी की गई। इसके एक होमगार्ड का सर फट गया है, जबकि अन्य जवानों को भी मामूली चोटें आई है। जख्मी होमगार्ड का इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। अगली खबर, बिहार में कोरोना खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या पिछले दिन से ज्यादा हो रहे हैं। पटना में 13 दिन पहले जहां 7 मरीज मिले थे, वहीं 5 जनवरी को 1015 मरीज मिले। हर दिन के आंकड़े तीसरी लहर की दस्तीर कर रहे हैं और सूबे के स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। इस आंकड़ों के मुताबिक 24 दिसंबर को बिहार में 7 मरीज मिले थे, 25 दिसंबर को मरीजों की संख्या 4 रही, 26 दिसंबर को 10, 27 को 11, 28 को 13, 29 को 26, 30 को 57, 21 को 105, 1 जनवरी को 136, 2 जनवरी को 142, 3 जनवरी को 160, 4 जनवरी को 565 और 5 जनवरी को 1015 मरीज मिले हैं। पटना में 13 दिन पहले कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 55 थी, वहीं अब 2283 हो गई है। मरीजों की तादाद के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं NMCH में भर्ती एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। नए साल में यह पटना में पहली मौत है। अगली खबर, केंद्रीय चयन परिषद ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के पद पर भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 10 जनवरी से 12 जनवरी 2022 तक होने वाली थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अगली खबर, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 2 दिन भी ठंड से निजात के आसार नहीं है। कई जगहों पर ठंड में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार से राज्य भर में 7 जनवरी तक के लिए शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न केवल दिन का अधिकतम तापमान बल्कि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहने के आसार है। बहरहाल देखते रहिए एवन न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सके। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करे विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।